भी छात्रों, कक्षा 12वीं व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत अध्याय 13 में हम आज अध्ययन करेंगे नेतृत्व एवं संप्रेषण। यहाँ पर हम जो है नेतृत्व और संप्रेषण के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहले रूप में नेतृत्व को और फिर उसके पश्चात संप्रेषण क्या है इसको जानेंगे। तो बात करते हैं हम नेतृत्व की। नेतृत्व मतलब अगुवाई करना किसी समूह का को लेकर चलना, उसका मार्गदर्शन करना, उसको रास्ता दिखाना। तो नेतृत्व से आशय किसी विशिष्ट गुण रखने वाले उस व्यक्ति से होता है जो इन गुणों के आधार पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। तो नेतृत्व करने वाला वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर एक विशिष्ट गुण होता है जो एक समूह को लेकर चलता है, समूह का मार्गदर्शन करता है, उसको रास्ता दिखाता है, उसको कार्य करने के तरीके बताता है, वो कहलाता है नेतृत्व करने वाला। कुंट जी ने जो परिभाषा दी है, नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया से है जिसमें वे समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की दिशा में आगे बढ़े। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेतृत्व करने वाला जो है वो अपने समूह के लोगों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो समूह जो है उस लक्ष्य या उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा के साथ, नेतृत्व करने वाले के साथ काम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े, वो कहलाता है नेतृत्व। फिर रॉबर्ट सी एप्लेवी के अनुसार नेतृत्व जो है व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है जिससे वे पारस्परिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छापूर्वक प्रयास करते हैं। तो नेतृत्व तो क्या है, यहाँ व्यक्तियों को एक प्रभावित करने की एक कला है, एक प्रक्रिया है जो एक सामूहिक रूप से जो पारस्परिक सबको मिलकर जो उद्देश्य को प्राप्त करना है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इच्छापूर्वक उनसे कार्य कराने का प्रयास करवाता है, वो कहलाता है नेतृत्व। इसके बाद हम देखते हैं नेतृत्व के लक्षण क्या है या इसकी विशेषता जो है सामान्य तौर पर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, अधिकारी वर्ग के द्वारा। अधिकारी वर्ग कौन होता है, जो समूह का मुखिया है वो अधिकारी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो पहली विशेषता है कि ये नेतृत्व की जो प्रक्रिया है वो अधिकारी वर्ग के द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरा, नेता जो है एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जो समूह है उस समूह का एक मुखिया होता है और वही मुखिया क्या कहलाता है, नेता कहलाता है जो नेतृत्व करता है। बाकी जो सभी सदस्य हैं उसके क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं, उसके दिखाए रास्ते पर चलने वाले होते हैं। फिर नेतृत्व जो है एक क्या है, लगातार सतत अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक संगठन का उद्देश्य काम करता रहता है, संगठन का लक्ष्य बना रहता है, उद्देश्य बना रहता है, तब तक ये क्रियाशील होकर जो है प्रक्रिया चलती रहती है। फिर इसके बाद है जो नेता अपने अनुयायियों के समक्ष आदर्श चरित्र व अच्छा आचरण प्रस्तुत करता है जिससे अनुयायी उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते रहे। एक नेतृत्व तो करने वाले का चरित्र जो है आदर्शपूर्ण होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए और वो अपना जो आचरण है वो इस तरह से अपने अनुयायियों के सामने प्रस्तुत करे ताकि अनुयायी जो है जो उसके साथ चलने वाले हैं वो उनके आदर्श से प्रेरित हो सके। फिर नेता जो है समूह के सदस्यों से लक्ष्य प्राप्ति हेतु इच्छा को जागृत कर कार्य कराता है, ना कि दबाव डालता है। जो नेतृत्व करने वाला है वो समूह के सदस्यों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु इस प्रकार से जागृत करता है, उनकी इच्छा को इस प्रकार से जागृत करता है कि वो अपने इच्छा से वो कार्य करने के लिए आगे आए, ना कि नेतृत्व करने वाले के द्वारा ये दबाव डाला जाए या प्रेशर डाला जाए कि ये कार्य करना है। फिर नेतृत्व करने वाले में विशिष्ट योग्यता होना चाहिए, जैसे तकनीकी योग्यता होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर डिसीजन मेकर होना चाहिए, निर्णय लेने की उसमें शक्ति होना चाहिए, बौद्धिक रूप से वो परिपक्व होना चाहिए, निष्पक्षता उसके अंदर होना चाहिए, सभी के साथ वो समान रूप से व्यवहार करे और यथार्थवादी विचारधारा वाला होना चाहिए। ये जो है नेतृत्व के लक्षण या उसकी विशेषताएँ हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेतृत्व के कार्य या महत्व। जो पहला कार्य इसका नियोजन व निर्देशन,
नेतृत्व जो है उपक्रम के लक्ष्य व नीतियों के निर्धारण संबंधी नियोजन में सहयोग देता है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु जब भी उपक्रम के लक्ष्य या नीतियों का निर्धारण किया जाता है तो नियोजन प्रक्रिया में योजना बनाने में नेतृत्व जो है वो सहयोग प्रदान करता है और जो नियोजन के अनुसार जो लक्ष्य हमने निश्चित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका मार्गदर्शन करता है। फिर अभिप्रेरणा व समन्वय नेतृत्व के माध्यम से जो है समूह सदस्यों की योग्यता क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य कराने हेतु प्रेरित करता है। उन्हें अभिप्रेरित करता है क्यों? क्योंकि नेतृत्व जो है वो एक समूह का नेतृत्व करता है, उसका प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर जो है सदस्यों की योग्यता की क्षमता के अनुसार सभी को से कार्य वो करवाता है, कार्य कराने हेतु उन्हें प्रेरित करता है और आपस में उस समूह के लोगों के बीच में समन्वय कोरिलेशन को बनाए रखता है ताकि सारे के सारे लोग समूह के लोग अभिप्रेरित होकर जो है पूर्ण समन्वय सहयोग और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य को पूरा करें। तीसरा जो महत्व है इसका सूचनाएं व तकनीकी सहायता। समूह सदस्यों को कार्य से संबंधित सूचना तथा कार्य कठिनाई में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। समय समय पर जो है समूह के जो सदस्य हैं उनको जो है सूचनाएं प्रदान करता है कि किस प्रकार से कार्य करना है। साथ ही यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तकनीकी समस्याएं आती हैं तो उनको वो जो है सहायता प्रदान करता है। फिर चौथा बिंदु जो है इसके महत्व का समूह की भावना का विकास। क्योंकि नेतृत्व करने वाला जो है उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच में एक मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये जो है कर्मचारियों के मध्य सहयोग समन्वय व मित्रता के वातावरण का सौहार्दपूर्ण भावना का ये विकास करता है। वहीं आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना। नेतृत्व जो है निष्पक्ष योग्य निष्ठावान साहसी के साथ जो है जनतांत्रिक दृष्टिकोण के साथ उच्च आदर्श वाला होना चाहिए जो सदस्यों के समक्ष आदर्शों में खरा उतर सके। अर्थात नेतृत्व करने वाला जो है उसका कार्य इस प्रकार से होना चाहिए कि वो निष्पक्षता के साथ कार्य करे, पूर्ण योग्यवान हो, निष्ठावान हो और जनतांत्रिक दृष्टिकोण वाला हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार करने वाला हो, तभी वो अपने सदस्यों के सामने अपने आदर्श को बेहतर रूप में सामने प्रस्तुत कर सके। तो ये जो है नेतृत्व के कार्य या महत्व हमने देखे यहाँ। इसके बाद हम देखते हैं अच्छे नेतृत्व के गुण या एक प्रभावी नेता के गुण। एक संस्था या उपक्रम में एक जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, जो मुखिया है, उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो पहला गुण जो है वो बेहतर शारीरिक क्षमता। अर्थात नेतृत्व करने वाले की जो शारीरिक क्षमता है, जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है, वो बहुत बेहतर होना चाहिए। उसमें कार्य करने की पर्याप्त शक्ति हो, स्फूर्तिवान हो और सहनशील हो, चार लोगों की बात को वो सुन सके और सुन के उसके अनुसार कार्य कर सके। तो बेहतर शारीरिक क्षमता होना चाहिए। दूसरा जो है बौद्धिक योग्यता, मानसिक रूप से किसी भी तत्व को सोच समझकर समझने वाला होना चाहिए। उसके बाद जो समस्या सामने है या जो बात सामने है उसको पूर्ण रूप से विश्लेषण करने वाला क्षमता वाला हो, साथ ही समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो। तो बौद्धिक योग्यता उसमें पूर्ण रूप से होना चाहिए। फिर निर्णय लेने की कैपेसिटी होना चाहिए, समय समय पर उचित निर्णय लेने वाला होना चाहिए। फिर आत्मविश्वास चाहिए कि जो भी कार्य उसके समूह को सौंपा गया है वो समूह से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस समूह से वो कार्य को करा सके, तो कार्य को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करने वाला हो। फिर पहल शक्ति की बात करें हम, तो पहल शक्ति क्या है? आगे बढ़कर कार्य को करने की इच्छा को जागृत करना। तो स्वयं उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो प्रत्येक कार्य में स्वयं भी आगे बढ़कर अपनी पहल शक्ति को अपने समूह के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। इससे जो है समूह के लोग भी उसके साथ तेजी से काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर बात करते हैं हम परिपक्वता की। यदि भावनात्मक व्यक्ति हुआ तो जल्दबाजी या भावावेश में कभी कभी गलत निर्णय ले लेता है, तो हमेशा उसको ये ध्यान रखना कि जल्दबाजी या भावावेश में निर्णय लेने वाला नहीं होना चाहिए। स्थिति परिस्थितियों को सोचना समझना, उन्हें पर्याप्त रूप से विश्लेषित करने के बाद ही किसी प्रकार का डिसीजन लेना, अर्थात वो इतने मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। फिर दायित्व बहनीय क्षमता होना चाहिए, अर्थात जो कार्य उसके समूह को सौंपा गया है उस दायित्व को, उस कार्य को पूर्ण रूप से बहन
कर सके। तो एक अच्छे नेता में दायित्व बहन करने की जो है क्षमता होती है, वह अपने दायित्व को पूर्ण रूप से बहन करने हेतु अधीनस्थों को प्रेरित करता है। तो एक अच्छे नेतृत्व के गुण या एक प्रभावी नेता के जो गुण है वो होना चाहिए, बेहतर शारीरिक क्षमता होना चाहिए, बौद्धिक योग्यता होना चाहिए उसके अंदर, निर्णय लेने की उसमें तीव्र शक्ति होना चाहिए, आत्मविश्वास, पहल शक्ति और परिपक्व होना चाहिए, और वहीं जो भी दायित्व उसको सौंपे गए हैं उसको बहन करने की उसमें कैपेसिटी या क्षमता होनी चाहिए। दूसरा जो पार्ट जो अभी हम बात कर रहे थे नेतृत्व के पश्चात संप्रेषण की, उसको हम यहाँ देखते हैं कि संप्रेषण क्या कहलाता है। तो संप्रेषण जो है वो कम्युनिकेशन कहलाता है, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी विचार, किसी बात, किसी भावना का परस्पर आदान प्रदान जो है वो संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण से आशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विचार, तथ्य, सूचना अथवा भावनाओं के विनिमय से होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हमें किसी विचार को पहुंचाना है, किसी बात को पहुंचाना है, कोई तथ्य या कोई सूचना हमें प्रदान करनी है या कोई हमारी आंतरिक भावनाएं हैं, इनका जो परस्पर विनिमय है, आदान प्रदान, वो कहलाता है संप्रेषण। संप्रेषण की जो पहली विशेषता है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या पक्षों का होना आवश्यक है। पहला जो है संदेश भेजता है जो, और दूसरा जो है वो संदेश को ग्रहण करता है। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश भेजने वाला, दूसरा संदेश को प्राप्त करने वाला। संदेश जो है वो प्रेषण के विचार संदेश प्राप्तकर्ता तक उसी रूप में प्राप्त हो जिस रूप या आशय में उसे भेजा गया है, तभी वो उचित संप्रेषण कहलाता है। अर्थात संप्रेषक के द्वारा जो बात कही गई है वो बात उसी रूप में संप्रेषिती तक पहुंचे, तभी वो क्या कहलाता है, उचित या सार्थक संप्रेषण। हो सकता है कि बात कुछ और कही गई हो और बात किसी और रूप में नीचे तक पहुंची हो, तो यहाँ पर जो है जो संदेश का जो अर्थ है वो उसकी व्याख्या गलत हो गई, तो यहाँ पर उचित संप्रेषण ये नहीं होगा। तो लुईस एलन के अनुसार जो है संप्रेषण उन समस्त बातों का योग है जिन्हें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में समझबूझ उत्पन्न करने के लिए करता है। ये अर्थ का पुल है, इसमें कहने, सुनने तथा समझाने की एक व्यवस्थित एवं निरंतर प्रक्रिया चलती है। तो संप्रेषण जो उन सभी बातों का योग है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में अपनी बात के अर्थ को उपलब्ध करने की प्रक्रिया को शुरू करता है। ये अर्थ का एक पुल है, अर्थात जो संदेश हमने भेजा हुआ है उसका जो मूल है वो क्या, अर्थ का पुल है। मैं कहने, सुनने तथा समझाने की व्यवस्थित एवं एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार, संदेश, भावनाओं तथा तर्कों का पारस्परिक आपस में विनिमय, एक्सचेंज करते हैं। तो इस प्रकार से संप्रेषण जो है वो प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचार, अपने संदेश, अपनी भावना या अपने तर्कों को जो है आपस में एक दूसरे से अदल बदल या पारस्परिक विनिमय करते हैं, वो कहलाता है संप्रेषण। इसकी जो विशेषताएं हैं संप्रेषण की, नंबर एक तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना चाहिए, जो पहला व्यक्ति है संप्रेषक, दूसरा व्यक्ति है संप्रेषित, दो से दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा जो है विचारों का विनिमय। संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कोई उसमें विचार नहीं होगा, कोई आदेश नहीं होगा, कोई भावना नहीं होगी या कोई संदेश का विनिमय नहीं होगा, तब तक वो संप्रेषण नहीं कहलाएगा, वो विचारों का विनिमय। फिर पारस्परिक समझ, सूचना भेजने वाले का जो भाव है उसी अर्थ में सूचना प्राप्त करने वाले को उसे समझना आवश्यक है, अर्थात जो संदेश भेजा गया है उस संदेश का जो भाव है उसका अर्थ जो है उसी रूप में सूचना प्राप्त करने वाले अर्थात संप्रेषकी को जो है उसी रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो इतनी पारस्परिक समझ होना चाहिए। फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संप्रेषण। संप्रेषण जो है दोनों प्रकार से होता है, हो सकता है प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। प्रत्यक्ष जब हम आमने सामने हों तब बात कही सुनी जाती है, अप्रत्यक्ष जब दूसरा पक्ष हमारे सामने
ना हो तो भी हम बात को किसी माध्यम से उस तक पहुंचाते हैं। तो ये दोनों रूप में होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अर्थात दोनों पक्षों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है संप्रेषण और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। फिर इसमें जो प्रयोग है शब्द संदेश के लिए, शब्द या संकेतों का प्रयोग, हम जो संदेश भेजना चाहते हैं उसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं या संकेतों का या चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो संप्रेषण में जो है लिखित, मौखिक या सांकेतिक तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है सतत प्रक्रिया, उपक्रम जब तक कार्य करता रहता है, उपक्रम का जब तक उद्देश्य चलता रहता है, उपक्रम जब तक उत्पादन करता रहता है, ये प्रक्रिया जो संप्रेषण की निरंतर चलती रहती है। तो उपक्रम में प्रबंधक अपने अधीनस्थ को कार्य सौंपना, दिशा निर्देश देना, प्रगति समीक्षा जैसी प्रक्रिया निरंतर रूप से ये करता रहता है। ये है संप्रेषण की विशेषताएं, की अवस्थाएं या तत्व, इनमें किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, अर्थात संप्रेषण में जो है किन बिंदुओं के आधार पर संप्रेषण होता है। तो सबसे पहले तो संप्रेषण में जरूरी है कोई विचार हो, कोई संदेश हो। जब तक कोई विचार नहीं होगा, कोई संदेश नहीं होगा, तो वो संप्रेषण नहीं कहलाएगा। तो प्रबंधक ये विचार करता है कि संदेश क्या है व उसे कैसे पहुंचाना है। दूसरी चीज़ है लिपिबद्ध, जो भी संदेश है, सूचना है, उसे हम क्या करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, जो शब्द या चित्र या संकेत आदि के माध्यम से हो सकता है। जो हमें संदेश भेजना है उसको हमें लिपिबद्ध करना, ये शब्द के माध्यम से हो सकता है या चित्र के माध्यम से या कोई संकेत के माध्यम से हो सकता है। फिर बात करते हैं माध्यम की, विचार या संदेश के माध्यम या साधन का चुनाव किया जाता है, किस प्रकार से हमें संदेश को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है, वो माध्यम पर चुनाव करना। प्राप्तकर्ता, यहाँ प्रेषक की भूमिका समाप्त हो जाती है। माध्यम के द्वारा जो है, जब प्रेषक संप्रेषक अपनी बात को संप्रेषी तक पहुँचाने के लिए जारी कर देता है, तो यहाँ पर उसकी बात खत्म हो जाती है, अब यहाँ से बात शुरू हो जाती है प्राप्तकर्ता। तो प्रेषक की भूमिका समाप्त होकर प्राप्तकर्ता की भूमिका जो है वो शुरू होती है। प्राप्तकर्ता वो है जो जिसे संदेश भेजा जाता है। फिर उसके पश्चात प्राप्तकर्ता क्या करता है, अर्थ का निरूपण करता है, अर्थात जो संदेश भेजा गया है उस संदेश की भाषा को वो पढ़ता है, उसकी भावना को समझता है कि संदेश में कौन सी बात कही गई है जो प्रेषक उसे समझाना चाहता है। तो प्राप्तकर्ता को चाहिए कि वह संदेश का सही सही अर्थ समझे। अर्थ समझ लेने के पश्चात जो है संप्रेषी के द्वारा प्रतिपुष्टि की जाती है। प्रतिपुष्टि से तात्पर्य यह है यहाँ पर कि संप्रेषक के द्वारा जो संदेश भेजा गया है वो संप्रेषी तक उसी रूप में प्राप्त उसको हो गया है और उसके अर्थ को संप्रेषी ने समझ लिया है, इस आशय से एक पुष्टि प्रेषक के पास वो भेजता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जबकि प्रेषक को यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्रेषिती तक संदेश पहुंच गया है और उसने संदेश के अर्थ को समझ लिया है। तो ये जो है संप्रेषण की अवस्था या उसके तत्व हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संप्रेषण के जो प्रकार हैं। पहला है औपचारिक संप्रेषण और दूसरा जो है वो अनौपचारिक संप्रेषण। तो यहाँ पर औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है। औपचारिक जो ऑफिशियली है, कार्यालय से संबंधित है, संगठन कार्यालय के संगठन से संबंधित है, वो है औपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संगठन जो अनऑफिशियल है, जो ऑफिशियली नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं औपचारिक संप्रेषण की, कि एक संस्था में काम करने वाले कर्मचारी व अधिकारियों के मध्य औपचारिक संबंध होते हैं और यहाँ संप्रेषक ऐसे संबंध के आधार पर संप्रेषी को कोई संदेश भेजता है तो उसे औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे कोई आदेश भेजता है, कोई निर्देश भेजता है, कोई किसी प्रकार की सूचना भेजता है, जो ऑफिशियली है, जो पद के से जुड़ी हुई है, संस्था के काम से जुड़ी हुई है, वो औपचारिक संप्रेषण। ये लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें संदेश भेजने का एक अपना निश्चित मार्ग होता है, अर्थात यहाँ पर उच्च अधिकारी के द्वारा, उसके पश्चात मध्यम स्तर और उसके पश्चात जो है निम्न स्तर।
अर्थात यहां से कोई यदि एक आदेश चलता है तो वो सीधे जो है एक सीधे सीधे मार्ग से होता हुआ नीचे तक पहुंचता है, तो वो औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। दूसरा प्रकार जो है अनौपचारिक संप्रेषण, अनऑफिशियली जिसको हम बोलते हैं। सामान्य तौर पर हम देखते हैं एक संस्था या उपक्रम में बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, कार्य के दौरान जो है सामाजिक संबंधों के चलते हुए आपस में मित्रता, घनिष्ठता या पारिवारिक भावनाओं का उसमें जन्म होता है और आपस में जो है एक अनौपचारिक संबंध विकसित हो जाते हैं। तो ये एक सामान्य मानवीय, जिसके अंतर्गत जब व्यक्ति एक स्थान पर कार्य करते हैं तो आपस में जो कार्य कर रहे हैं उनके बीच में एक सामाजिक संबंध बन जाता है। अब यहाँ पर जो है ये एक सामान्य व्यवहार है जो उच्च अधिकारी के नियंत्रण में नहीं हो सकता। यहाँ जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार औपचारिक संप्रेषण में एक अधिकारी जो है अपने से निकटस्थ अधिकारी को कोई संदेश भेजता है, वो चीज़ यहाँ पर जरूरी नहीं है, अर्थात यहाँ पर किसी भी उच्च अधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये मौखिक होने के साथ साथ अनौपचारिक जो संप्रेषण है ये मुख्य रूप से क्या होता है, मौखिक होता है। इसका कोई अपना एक निश्चित मार्ग भी नहीं होता तथा ये अंगूर की बेल के समान होता है, इसमें प्राप्त सूचनाएं जो हैं वो अधिकृत नहीं होती। तो अनौपचारिक संप्रेषण जो है वो कहलाता है जिसमें एक संस्था में या एक समूह में काम करने वाले लोगों के बीच में आपसी सामाजिक संबंध के कारण, मित्रता के कारण, घनिष्ठता के कारण उनके बीच में एक संबंध जन्म ले लेता है और जब उनके द्वारा आपस में एक दूसरे से कोई बात कही जाती है तो वो अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आती है। अब इसकी जो विशेषताएं, इसमें अनौपचारिक संप्रेषण ये मुख्य रूप से कैसा होता है, मौखिक होता है और इसका कोई एक निश्चित मार्ग नहीं होता, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बातें जो है एक दूसरे से आपस में यहाँ पर फैलती हैं, इसलिए इसे अंगूरी बेल की लता की जो है यहाँ पर इसको कहा भी गया है। और इससे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो बेसिकली अधिकृत नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि अनौपचारिक संप्रेषण से जो हमें बात या जो सूचना मिली वो सही है अथवा नहीं। तो ये जो दो प्रकार हैं, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण, और विस्तार में देखने के लिए हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। पहला अंतर जो है इसका अर्थ कार्यालयीन संप्रेषण से है और ये जो है सामाजिक संबंधों पर आधारित है। इसकी स्थापना जो है संगठन के संबंध पर आधारित है। औपचारिक संगठन की जो स्थापना होती है वो संगठन के अनुरूप होती है, जबकि इसकी स्थापना जो है सामाजिक संबंध के द्वारा होती है। मार्ग की बात करें तो औपचारिक संप्रेषण का एक अपना एक निश्चित मार्ग होता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण टेढ़ा मेढ़ा मार्ग या अनिश्चित मार्ग होता है। इसका कोई एक निश्चित मार्ग नहीं होता। फिर ये माध्यम ये लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। अनौपचारिक जो है प्रायः मौखिक होता है। विश्वसनीयता की बात करें तो औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत जो सूचना जारी की गई है वो पूर्ण रूप से कैसी होती है, विश्वसनीय होती है, जबकि अनौपचारिक में अविश्वसनीय होती है। फिर गति की बात करें तो इसकी गति प्रायः धीमी होती है, क्योंकि ऑफिशियली सूचना जो है क्रमशः एक लाइन से एक अधिकारी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक चलती है, तो उसकी गति कौन सी होती, धीमी होती। जबकि अनौपचारिक संप्रेषण में बात मौखिक रूप से कही जाती तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार से बहुत तेजी से बात यहाँ पर फैलती है, तो इसकी गति जो होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। फिर स्रोत की बात करें हम तो संदेश भेजने वाले की कोई पहचान स्पष्ट होती है। औपचारिक संप्रेषण में चूंकि ऑफिशियली लेटर जारी किए जाते हैं, औपचारिक पत्र जारी किए जाते हैं, औपचारिक सूचना दी जाती है, तो सूचना भेजने वाले का नाम स्पष्ट होता है कि किसके द्वारा ये सूचना प्रदान की है। जबकि अनौपचारिक संप्रेषण जो होता है इसमें किसने संदेश जारी किया, किसने बात कही, इसकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है या अस्पष्ट होता है। तो ये जो है औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या अंतर है इसके बारे में हमने देखा। इसके बाद अंतिम बिंदु पर हम बात करते हैं प्रभावी संप्रेषण की। प्रभावी संप्रेषण से तात्पर्य यहाँ पर कि जो बात कही गई है वो बात उसी अर्थ उसी भावना के साथ संबंधित पक्ष तक पहुँचे, तभी वो क्या कहलाएगा, प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा। लेकिन कुछ समस्याएँ या कुछ बाधाओं के चलते जो है संप्रेषण में बाधा आती है, जिन कारणों से संप्रेषण में कही गई बात
उक्त रूप से सामने पक्ष तक नहीं पहुंच पाती, वो है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। तो कुछ बाधाएं को हम देखते हैं, जैसे नंबर एक हो गई भाषा संबंधी आवश्यकता। अब जो संदेश भेजा गया उसमें यदि भाषा स्पष्ट नहीं है तो संदेश की गलत व्याख्या यदि कर ली गई, त्रुटिपूर्ण अनुवाद समझ कर दिया गया, अर्थहीन तकनीक भाषा आदि का प्रयोग किया गया, तो ये कौन सी आवश्यक है? भाषा संबंधी बाधाएं। तो भाषा संबंधी बाधाओं में इसमें जो है भाषा स्पष्ट ना होने के कारण जो है संदेश की व्याख्या अर्थात संदेश का जो अर्थ है वो गलत हो गया, या अनुवादक ने उसका अनुवाद गलत रूप में कर दिया, या कोई ऐसे टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया जो अर्थहीन है, जो उस बात को प्रकट नहीं कर रहे, तो वो भाषा संबंधी है। फिर दूसरा है मौखिक बाधाएं, ध्वनि प्रदूषण के कारण या अधिक शोरगुल या बातचीत के कारण जो है संदेश सामने वाले पक्ष तक नहीं पहुंच पाया। फिर दूरी संबंधी बाधाएं, विचारों के आदान प्रदान करने वाली व्यक्तियों के मध्य दूरी के अंतर हेतु संप्रेषित की गई सूचना की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं हो। फिर है स्वभाव की बाधाएं, किसी अधिकारी का स्वभाव पसंद ना होने पर सूचना प्राप्त करने वाला गंभीरता से नहीं लेता। अक्सर उपक्रम में होता है कि कभी किसी व्यक्ति को या किसी समूह को किसी अधिकारी का स्वभाव पसंद नहीं है, या किसी अधिकारी को अपने निचले वाले सबॉर्डिनेट का स्वभाव पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूचनाओं को एक दूसरे से क्या छुपा लेते हैं। तो किसी भी अधिकारी का स्वभाव पसंद न होने पर सूचना प्राप्त करने वाला गंभीरता से उसे नहीं लेता, तो ये स्वभावगत बाधाएं हैं। फिर व्यक्तिगत बाधाएं, ऐसी कोई सूचना जिससे अधिकारी का कोई नुकसान होना हो या कर्मचारियों को कोई नुकसान होना हो या किसी अगले व्यक्ति का फायदा होना हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ सूचनाएं जो है भेजने वाला या प्राप्त करने वाला सूचना से संबंधित होने के कारण सूचनाओं को छपा लेता है। तो जब हम सूचनाओं को छपा लेते हैं तो ये भी क्या है? प्रभावी संप्रेषण की बाधा है। फिर तकनीकी बाधाएं, टेक्निकली प्रॉब्लम यदि आ जाती है, जैसे टेलीफोन सही काम नहीं कर रहा, बात सही नहीं पहुँच पा रही सामने वाले तक, तो वो इंटरनेट के नेट कनेक्शन ना मिलने के कारण, या फैक्स मशीन में प्रिंट गड़बड़ होने के कारण, या कंप्यूटर आदि खराब होने से जो है सूचनाएं जो है सही समय पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती, तो ये संप्रेषण के अंतर्गत जो बात कही है वो बात उस रूप तक हमारे पास नहीं पहुंच पाती। तो ये कुछ प्रकार की जो बाधाएं हैं वो प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं कहलाती। और अभ्यास प्रश्न जो है, नेतृत्व से आशय और उसकी विशेषताएं लिखिए, नेतृत्व के कार्य या महत्व लिखिए, एक अच्छे नेता के आवश्यक गुणों को समझाइए, फिर संप्रेषण से आशय और उसकी विशेषताएं लिखिए, फिर संप्रेषण की प्रक्रिया या उसके आवश्यक तत्वों को समझाइए, औपचारिक संप्रेषण एवं अनौपचारिक संप्रेषण से क्या आशय है, उनके बीच क्या अंतर स्पष्ट कीजिए, और एक प्रभावी संप्रेषण के दौरान आने वाली बाधाओं को समझाइए।